इमेजिन करो, 21 साल की लड़की लापता है और उसके पेरेंट्स उसे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते, पर वो लड़की नहीं मिलती। रात में घर के सभी लोग सो जाते हैं, पर दूसरे ही दिन सुबह सुबह उस लड़की की लाश उसी बेड के नीचे ड्रॉवर में मिलती है, जिस बेड पर उसके माता पिता सोए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था स्नेहल के साथ, जानते हैं आज इस वीडियो में। स्नेहल गवारे एक 21 ईयर ओल्ड लड़की सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। वो निनाद सोसाइटी डोंबिवली में उसके पेरेंट्स के साथ रहती थी। स्नेहल पिछले एक महीने से घर में रेस्ट पर थी क्योंकि उसके पैर में कुछ इंजरी हुई थी। स्नेहल के फादर हिंदूराव एक प्राइवेट बैंक में एम्प्लॉय थे और स्नेहल की माँ कल्पना एक स्कूल टीचर थी। वो दोनों दिन भर घर से बाहर रहते थे। 20 जुलाई 2007 गुरुवार के दिन शाम को जब स्नेहल की माँ कल्पना स्कूल से घर लौटी, तब स्नेहल घर में नहीं थी। उन्होंने यहाँ वहाँ ढूंढा पर स्नेहल नहीं दिखी। स्नेहल की माँ को टेंशन आ गया और उन्होंने स्नेहल की हर एक फ्रेंड को कॉल करके पूछा, लेकिन सब ने कहा कि हमारे यहाँ तो स्नेहल नहीं आई। फिर उन्होंने स्नेहल के पिताजी को कॉल किया और उनको बताया कि स्नेहल मिसिंग है। फिर दोनों रामनगर पुलिस स्टेशन में गए, जो कि डोंबिवली में ही था। उन्होंने शाम को 6:30 बजे स्नेहल की मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर कर दी। अब एक महीने से लड़की रेस्ट पर है और अचानक ऐसे लापता कैसे हो गई, इसी वजह से उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा डर गए। उनके पड़ोसी और स्नेहल के लोकल फ्रेंड्स की मदद से वो स्नेहल को लेट नाइट तक ढूंढते रहे, लेकिन एज एक्सपेक्टेड स्नेहल नहीं मिली। पुलिस ने मिसिंग कंप्लेंट की हुई थी, इसीलिए उसके पेरेंट्स ने बहुत ढूंढने के बाद वो आधी रात में थक हार कर सो गए। उनके दूसरे ही दिन स्नेहल की माँ कल्पना ने उनके बेड का ड्रॉवर खोला। उनको कुछ बेडशीट बाहर निकालने थे, लेकिन उसी ड्रॉवर में उनको एक इंसानी हाथ दिखा। स्नेहल की माँ शॉक हो गई और वो उसी पल में हिंदूराव के पास चली गई और उन्होंने ड्रॉवर खींच कर देखा तो अंदर स्नेहल की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसका मुंह बांधा हुआ था और हाथ पैर भी रस्सी से बांधे हुए थे। उनकी एक पड़ोसी अनघा गडकरी ने कहा कि हमें स्नेहल की माँ कल्पना के चीखने की आवाज़ सुनाई दी और हम उनके घर में चले गए। स्नेहल की माँ बेहोश हो गई थी, यहाँ तक कि स्नेहल के पापा भी जोर जोर से रोने लगे। मतलब अपनी ही बेटी की मरी हुई लाश पर पूरी रात तक वो दोनों सो रहे थे, ये सोचना भी उनके लिए सहन नहीं हो रहा था। स्नेहल के माँ बाप तो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये उनके साथ ऐसे अचानक कैसे हुआ। फिर उनके पड़ोसियों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दिया। केतन जवाड़े और मकरन चौधरी ये दोनों स्नेहल के कॉलेज मेट्स थे और वो भी उसी अपार्टमेंट में रहते थे जिस अपार्टमेंट में स्नेहल रहती थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि स्नेहल कॉलेज में एक पॉपुलर लड़की थी और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। घटना के दिन स्नेहल की फैमिली के पड़ोसियों ने किसी भी डाउटफुल इंसान को बिल्डिंग के अंदर या बाहर जाते हुए नहीं देखा और इसीलिए स्नेहल के मर्डर की मिस्ट्री और ही सुलझ गई। पुलिस के पास जो मिसिंग रिपोर्ट गई थी वो अब मर्डर रिपोर्ट में चेंज की गई। अब ये एक मर्डर केस बन चुका था। जब पुलिस ने स्नेहल के घर वालों से पूछताछ की कि स्नेहल का कुछ अफेयर था क्या, तो स्नेहल की माँ ने बताया स्नेहल का एक बॉयफ्रेंड था, उसका नाम था हिरेन राठौड़। ये पता चलने के बाद पुलिस ने हिरेन राठौड़ से कांटेक्ट करने की कोशिश की। हिरेन राठौड़ ने कुछ साल पहले से बताया कि उन दोनों की 2004 में ही दोस्ती हो गई थी और उसके बाद वो दोस्ती प्यार में बदल गई। इस रिश्ते के बारे में स्नेहल की माँ को पता था क्योंकि अक्सर हिरेन उनके घर में आता था, लेकिन स्नेहल के बाप हिंदूराव गवारे को हिरेन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आगे हिरेन ने बताया कि पिछले एक हफ्ते से उसके स्नेहल के साथ झगड़े हो रहे थे। हुआ यूँ था कि हिरेन कुछ अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गया था और उसी वजह से स्नेहल को गुस्सा आ गया था। जिस दोस्तों के साथ हिरेन पार्टी में गया था
वो स्नेहल को पसंद नहीं आया। हिरण ने स्नेहल को मनाने की कोशिश की, स्नेहल मान तो गई, पर उन दोनों ने डिसाइड किया कि कुछ दिन के लिए ऊपर ऊपर से ही वो बात करेंगे, क्योंकि वो दोनों अपने अपने काम में बिजी थे तो उन्होंने डिस्टेंस रखना सही समझा। हिरण ने आगे कहा कि इस एक हफ्ते में मेरा मोबाइल भी खराब हो गया था और उसकी बैटरी जल्दी डाउन हो जाती थी, इसलिए मैं अगर किसी को अर्जेंट कॉल करना होता था तभी मेरा फ़ोन ऑन करता था, और पिछले दो दिन से हिरण का फ़ोन पूरा स्विच ऑफ था। हिरण ने कहा कि स्नेहल से उसकी बात भी नहीं हुई और ये सब क्या हुआ इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। अब हिरण के साइड से ये बयान आया था। उसके बाद पुलिस ने हिरण के बारे में और पूछताछ की तो उनको पता चला कि हिरण ने एक मैनेजमेंट कोर्स किया था और ये मुंबई में एक कंपनी में जॉब करता था। हिरण ने कहा कि जिस दिन ये सब हुआ उस दिन सुबह के 9 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक वो ऑफिस में ही था। फिर पुलिस हिरण के ऑफिस में पहुंची और उसके कलीग से पूछताछ की तो उन्होंने भी कहा कि हिरण हमारे साथ ही था, लेकिन जब पुलिस ने उस ऑफिस के अटेंडेंस रजिस्टर को देखा तब पता चला कि उसी दिन 19 जुलाई का अटेंडेंस रजिस्टर गायब था। यह नॉर्मल सी बात तो नहीं है, क्योंकि उनके ऑफिस में हर एम्प्लॉय अटेंडेंस रजिस्टर में अटेंडेंस लगाता है और खुद की साइन करता है। इन एंड आउट टाइमिंग उस रजिस्टर में लिखा जाता है। उसी वजह से ये शॉकिंग और डाउटफुल बात थी कि जिस दिन स्नेहल का मर्डर हुआ उसी दिन का अटेंडेंस रजिस्टर कैसे गायब हो सकता है। लेकिन हिरण के 3 कोलिग्स ने कहा कि हिरण हमारे साथ ही था और मर्डर दोपहर से लेके शाम 4:30 बजे तक हुआ है, क्योंकि उसके बाद तो स्नेहल की माँ घर पर लौट चुकी थी। लेकिन हिरण का यहाँ पर यह कहना था कि उस दिन तो मैं ऑफिस में ही था और उसके कलीग्स भी इस बात के गवाह थे कि वो दिन भर ऑफिस में ही था। पर प्रॉब्लम यह है कि कलीग्स तो कह रहे कि हिरण हमारे साथ था, पर उस दिन का अटेंडेंस रजिस्टर गया तो गया कहा, या फिर किसी ने जानबूझकर उस अटेंडेंस रजिस्टर को छुपाया हो। ये अटेंडेंस रजिस्टर गायब होने की वजह से पुलिस को हिरण पर अभी भी शक था, लेकिन उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। और यहाँ पर स्नेहल का फ़ोन भी गायब हुआ था। एक हफ्ते बाद उसका फ़ोन मिल गया एक ग्रोसरी शॉप में, वो मोबाइल ट्रेस हो गया था। उस दुकानदार से पुलिस ने पूछा कि ये फ़ोन तुम्हारे पास कैसे आया, तो उस दुकानदार ने कहा कि एक आदमी ये फ़ोन लेके मेरे पास आया था और उसने कहा कि मुझे ये फ़ोन कहीं पड़ा हुआ मिला था। फिर उस दुकानदार ने वो मोबाइल 3,500 में ख़रीद लिया। पुलिस ने उस दुकानदार से कहा कि जिसने तुम्हें ये फ़ोन बेचा उसका हुलिया बताओ, और उस दुकानदार ने जो हुलिया बताया उसके आधार पर पुलिस ने एक स्केच बनाया। अब ये स्केच बनने के बाद स्नेहल के घर वालों को पुलिस ने दिखाया, लेकिन किसी ने भी उस स्केच को पहचाना नहीं, और मोबाइल मिलने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर पुलिस ने सोचा कि ज़रा गवारे फैमिली की बैकग्राउंड के बारे में पूछताछ की जाए। स्नेहल की एक बहन थी शीतल, बहन की मौत की खबर सुनने के बाद वो भी मुंबई में आ गई थी। अब पुलिस ने जब गवारे फैमिली को टटोलने की शुरुआत की तो उन्हें पता चला कि स्नेहल की बड़ी बहन शीतल ने पास्ट में ये कंप्लेंट की थी हिंदूराव गवारे की, कि वो घर में बहुत मारपीट करते थे और हिंदूराव गवारे का स्नेहल की माँ कल्पना से भी बहुत झगड़ा होता था, क्योंकि उनका एक रिलेटिव था अनिल जवालेकर। तो हिंदूराव का शक था कि कल्पना और अनिल का कुछ अफेयर चल रहा है, इसी रीजन से उन दोनों में बहुत झगड़े होते थे। स्नेहल और शीतल इसमें कल्पना का साथ देती थी। ये सब पता चलने के बाद पुलिस को उस फैमिली में 3 लोगों पर शक हुआ था। एक तो हिंदूराव गवारे, दूसरे स्नेहल की माँ कल्पना, और तीसरा उनका रिलेटिव अनिल जवालेकर। और हिरण राठौड़ पर तो उनको पहले से ही शक था। अब पुलिस ने अलग अलग थ्योरीज बनाना शुरू कर दी, और स्नेहल का मर्डर घर में ही हुआ था और बॉडी भी घर के अंदर छुपाई गई थी, मतलब कोई जानने वाला ही कातिल था। हिंदूराव गवारे के बारे में एक थ्योरी ये थी कि जैसे कल्पना और अनिल के बारे में हिंदूराव को शक था, वैसे ही स्नेहल और हिरण राठौड़ के बारे में हिंदूराव को कुछ पता चल गया होगा तो गुस्से में आकर उसने स्नेहल का मर्डर कर दिया। हिरण राठौड़ के बारे में तो ये थ्योरी थी कि रिलेशनशिप में झगड़ा होता है और उसके बारे में कुछ भी हो सकता है, पजेसिवनेस, जलसी, एक दूसरे पर शक करना, इसी वजह से उसने शायद
ये सब खत्म करने के लिए स्नेहल का खून किया होगा। और ऊपर से उसी दिन उसके ऑफिस का अटेंडेंस रजिस्टर गायब था जिस दिन स्नेहल का मर्डर हुआ था। ये भी थ्योरी पुलिस ने बनाई थी कि स्नेहल की माँ कल्पना और अनिल इन दोनों ने मिलकर स्नेहल का मर्डर किया होगा, क्योंकि शायद कल्पना और अनिल के बारे में स्नेहल को पता चल गया होगा और स्नेहल ने कहा होगा कि ये सब मैं हिंदूराव को बता दूंगी, मतलब उसके फादर को। तो उसी वजह से उन दोनों का ये राज पता ना चले, इसलिए उन दोनों ने मिलकर स्नेहल का खून किया होगा। टोटल 4 सस्पेक्ट्स थे इस मर्डर केस में, पर पुलिस के पास अब तक सबूत नहीं था। इसी के कारण पुलिस ने सोचा कि इन चारों का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं। फिर पॉलीग्राफ टेस्ट इन चारों का हो गया। पॉलीग्राफ टेस्ट मतलब ऐसा होता है कि इसमें सस्पेक्ट के साथ कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं और झूठ बोलने पर सस्पेक्ट पकड़े जाते हैं। फिर टेस्ट होने के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट में अनिल को क्लीन चिट मिल गई, जो कि उनका एक रिलेटिव था, और कल्पना को भी क्लीन चिट मिल गई। मतलब इन्होंने जो भी जवाब दिए वो तकरीबन सच ही थे। बॉयफ्रेंड हिरेन राठौड़ के बारे में फॉरेंसिक टीम ने कहा कि हिरेन ने सब सच कहा है, सिवाय उसको दो बार एक ही सवाल किया था कि स्नेहल के मर्डर में तुम्हारा हाथ है क्या। उसने नो बोला, पर उस नो बोलने में एक घबराहट थी, जैसे बाकी सारे सवाल देते वक्त उसकी हार्ट बीट एकदम नॉर्मल थी, लेकिन इसी सवाल के वक्त उसकी हार्ट बीट तेज़ हुई, इसलिए उस नो में एक डाउट था। हिंदूराव गोवारे का भी ऐसा ही कुछ रिपोर्ट आया था, उसका भी रिपोर्ट ठीक नहीं लग रहा था। उसने जो भी सवालों के जवाब दिए वो सब 50-50 मामला लग रहा था, मतलब कभी कन्फ्यूजन लग रहा था, कभी वो सच बोल रहा है, कभी झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ लग रहा था। पर क्या है ना, ये 50-50 मामले और जैसे सिर्फ दो सवालों के जवाब पे हार्ट बीट तेज़ होना, इस पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ये कुछ पुख्ता एविडेंस नहीं है। इसलिए हिरेन राठौड़ और हिंदूराव गवारे के खिलाफ ये रिपोर्ट पुलिस के कुछ काम नहीं थी। फिर टाइम आगे गया और ये केस फाइनली डोंबिवली की क्राइम ब्रांच के पास दिया गया। फिर उसके बाद हिरेन राठौड़ यूएसए गया था अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। पुलिस ने बहुत जांच की पर कोई प्रूफ उनको नहीं मिला। उसके बाद पुलिस ने कल्याण कोर्ट में जाकर इस केस को ख़त्म करने के लिए कहा, पर कोर्ट ने मना कर दिया और कहा कि आप ये केस चालू रखो, देखो कुछ लीड मिलती है या नहीं। 2010 में हिरेन राठौड़ के फादर की डेथ हो जाती है, इसलिए उसे यूएसए से मुंबई लौटना पड़ता है और वो खुद ही कल्याण कोर्ट में जाकर कहता है कि स्नेहल गवारे मर्डर केस में आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मैं मेरी खुद की नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। उसने एप्लीकेशन कोर्ट को दिया और कोर्ट ने पुलिस को बताया। ये कमाल की बात है ना कि जिस पर पुलिस को ही शक था वो खुद आकर कह रहा है कि मेरे नार्को टेस्ट करवा लो, लेकिन पुलिस का पहले से ही हिरेन पर शक था, इसलिए पुलिस ने हिरेन को अरेस्ट कर लिया स्नेहल गवारे मर्डर केस में और 7 दिन तक उसे पुलिस कस्टडी में रखा। मर्डर के दिन ही उसके ऑफिस का अटेंडेंस रजिस्टर गायब हुआ और उसका फ़ोन मर्डर के 2 दिन पहले से ही स्विच ऑफ था। इन बातों की वजह से उसे अरेस्ट किया गया था, पर बाद में 1 महीने के बाद हिरेन को जेल से छोड़ना पड़ा, क्योंकि पुलिस के पास पुख्ता सबूत नहीं थे, इसलिए हिरेन राठौड़ को बेल मिल गई। लेकिन अब जब पुलिस ने कहा कि हम आपका नार्को टेस्ट कराते हैं, तब हिरेन ने सीधा मना कर दिया और एप्लीकेशन वापस ले लिया जो उसने कोर्ट को पहले दिया हुआ था। और नार्को टेस्ट में ऐसा होता है कि आपको सामने वाले की परमिशन लेनी पड़ती है, आप फोर्सफुली किसी के साथ भी नार्को टेस्ट नहीं करवा सकते। शायद अगर पुलिस हिरेन को अरेस्ट नहीं करती तो वो नार्को टेस्ट के लिए मान भी जाता। हिंदूराव, कल्पना, अनिल और हिरेन राठौड़ इन चारों पर पुलिस को शक था ही, पर सबसे ज़्यादा शक स्नेहल के बॉयफ्रेंड हिरेन राठौड़ पर था। लेकिन उसकी वजह तो एक ही थी कि सेम उसी दिन अटेंडेंस रजिस्टर गायब हो गया था, पर हिरेन का मर्डर करने के लिए कुछ ऐसा मोटिव नहीं लग रहा था, क्योंकि शायद वो ब्रेकअप करके ये सब सॉल्व कर सकता था, तो इसके लिए वो इतना मर्डर क्यों करेगा। और सिर्फ अगर एक अटेंडेंस रजिस्टर गायब है तो इसी एक सबूत पर आप किसी पर लाइफ टाइम तो शक नहीं कर सकते ना, क्योंकि उन दोनों के रिलेशन के बारे में ज़्यादा लोगों को तो पता नहीं था, सिर्फ स्नेहल की माँ को ही पता था। उल्टा फिर अगर थियरीज की बात करी जाए
तो फिर हिंदू राव जैसा एग्रेसिव इंसान जिसकी एक बेटी ने ही उस पर कंप्लेंट की हो, जो खुद अपनी पत्नी पर शक करता हो, उसने ही मर्डर किया हो, या फिर कल्पना और अनिल इन दोनों ने मिलकर भी उसका मर्डर किया हो। इसी वजह से हिरेन पर तो वो सिर्फ एक दिन का रजिस्टर गायब है, उसके बलबूते पर इतना शक करना इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हिरेन कभी भागा नहीं। जब जब पुलिस ने उसे बुलाया तब तक हिरेन प्रेजेंट हुआ था और वो खुद से नार्को टेस्ट भी करवाने को तैयार था, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने ही उसे अरेस्ट कर लिया था, इसलिए उसने फिर बाद में मना कर दिया। आज 2023 चालू है, लेकिन 19 जुलाई 2007 का ये केस अभी तक अनसॉल्व ही है, और मर्डर घर के अंदर हुआ है। किसी भी पड़ोसी ने मर्डर के दिन डाउटफुल इंसान को आते जाते हुए नहीं देखा। स्नेहल गवारे मर्डर केस 16 साल बाद भी सॉल्व नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। टेक केयर गाइज, बाय बाय।